नए टॉपिक के साथ। ये जो टॉपिक है हमारा हाइपरलिंक इन HTML। हम फ्रेंड लिंक कैसे लगाते हैं वेबसाइट में HTML के थ्रू, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हाइपरलिंक इन HTML। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे, हमने यहाँ पे HTML ओपन किया, देन HTML क्लोज। HTML क्लोज करने के बाद हेड टैग, हेड टैग ओपन किया और क्लोज किया। फिर हम स्टार्ट करेंगे बॉडी टैग। बॉडी के अंदर हमारा हाइपरलिंक या एंकर टैग भी इसको कहते हैं। हम फ्रेंड देखेंगे कि किसी दूसरे पेज पे, जैसे क्या होता है कि आप अगर वेबसाइट में मेन्यू लिंक अगर आप क्लिक करते हैं होम पेज पे, तो हम उसके दूसरे पेज पे चले जाते हैं। सो दैट इसको हम आज प्रैक्टिकली देखते हैं। ये होता है एंकर टैग। इसके बीच में हम HREF, HREF, और यहाँ पे उस पेज का लिंक, हम एक पेज बनाते हैं जिसका नाम होगा होम पेज डॉट HTML। ओके, गो टू होम पेज। अब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम होम पेज पे चले जाते हैं। इसको हम सेव करेंगे। डेस्कटॉप पे ही हम सेव कर लेते हैं, index.html। और ये हमारा जो ये ऑल फाइल होगा, हमने इसको सेव कर लिया। ओके, अब एक हम दूसरा पेज लेंगे, न्यू करते हैं। न्यू में भी हम HTML HTML ओपन किया, देन हेड टैग क्लोज किया। फिर हम स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी टैग। लास्ट वीडियो में हमने बताया था हेडिंग टैग के बारे में, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाइपरलिंक एंकर टैग। तो ये है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हम एक H1 ले लेते हैं। H1 के अंदर हमने H1 क्लोज कर दिया, ये हेडिंग टैग होता है। वेलकम टू माई होम पेज। अब इसको हम सेव करेंगे होम डॉट HTML में, होम डॉट HTML। अब इस पेज को हम, ये हमने इंडेक्स डॉट जो फर्स्ट पेज बनाया था, अब इसको करेंगे गो टू होम पेज, तो ये होम पेज पे चला जाएगा। देखिए वेलकम टू होम पेज, ये होम डॉट HTML URL आ गया, और ये हमारा इंडेक्स डॉट HTML है। तो ये है आपका हाइपरलिंक। इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट पे एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करते हैं। और अगर आपको सपोज कहीं इमेज पे लिंक लगाना है, तो आप इमेज पे भी लिंक लगा सकते हैं। आपने एंकर टैग के अंदर हमने लिंक लगा दिया HREF, डबल कोट होगा, डबल कोट www.youtube.com, और इसके बीच में हम एक इमेज ले लेते हैं
जो इमेज हमारे पास आई थिंक पड़ी है पहले से कोई नहीं है, तो हम इमेज यूट्यूब आइकन एक छोटा इमेज ले लेते हैं और इस इमेज को हम कोई भी वीडियो आप ले सकते हो, जैसे हमने एक पीएनजी इमेज ले लेते हैं। इस इमेज को हमने राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लिया, सेव एज, और इसको हमने डेस्कटॉप पर सेव कर दिया। इसका हमने नाम कॉपी कर लिया, डाउनलोड डॉट पीएनजी है, ये ध्यान रखें ये पीएनजी फॉर्मेट है। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, फिर यहाँ पे इमेज टैग IMG SRC डबल कोट, और इसके अंदर हमने ये डाउनलोड डॉट PNG इस इमेज को पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा कि जो आपका हाइपर लिंक है वो इस इमेज को अगर क्लिक करेंगे हम, अगर ये पेज रिफ्रेश करे तो, ये इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो हम कहाँ पे चले जाएंगे, YouTube। एक फ्रेंड हमें YouTube का पूरा पाथ देना पड़ेगा HTTPS के साथ। और हमने इसको सेव किया, हम बैक जाके इस पेज को अगर रिफ्रेश करते हैं तो ये पेज हमारा YouTube लिंक खुल गया। ओके, दूसरा अगर आपको कोई PDF डाउनलोड कराना है तो आप वो भी कर सकते हैं। एंकर टैग पे HREF डाउनलोड PDF। अब इस लिंक पे हम उस PDF का लिंक देंगे, जैसे ये हमारा PDF है, इस PDF को हमने रीनेम किया और वेब डिजाइनिंग कोर्स, वेब डिजाइनिंग कोर्स डॉट PDF। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये PDF भी डाउनलोड हो जाएगा। ये सेव हो गया, तो यही था ना होम पेज। इस होम पेज को हम दोबारा क्लिक कर रहे हैं और डाउनलोड PDF को आप जब क्लिक करेंगे तो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड एंकर टैग। तो आने वाले वीडियो में इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और उस सीरीज़ में हम आपको बताएंगे डिव और स्पैन में क्या डिफरेंस है। थैंक यू फ्रेंड।